नहीं वो तो, तो फिर सपना ही देख रहे हैं सब। हाँ, आ, हुए हैं सब सब सोए हुए देखो मेरे हिसाब से योगी हम दिन का लाख रुपए एवरेज बना रहे हैं इतना हमारा एवरेज है बट अगर सब लोग मेरे से बात करें कि आ, कि अब मतलब स्टार्टिंग से ही नहीं ये बात सच है कि चालीस पचास हजार रुपए हम स्टार्टिंग से बनाते रहे क्योंकि हमारा मल्टीपल ट्रेड दिन में चालीस होते थे रिस्क हमारा दो हजार रुपये पर ट्रेड होता था लेकिन हम दिन में हमें पता है पहले हम स्किल का गेम करते थे टेक्निक का गेम करते थे वो सब कुछ करते थे जैसे सर ने बोला आज की डेट में मैं भी सब कुछ करता हूं कैश फ्यूचर ऑप्शन सब लगाओ इन्वेस्टमेंट सब लगाओ स्विंग सब लगाओ लेकिन अपॉर्चुनिटी कहाँ ज्यादा है मैं वहां जाऊँगा मुझे लगता है अभी यहाँ जाना चाहिए इसको छोड़ वहां जा अभी वहां से इसको पकड़ना है इसको पकड़ उसको छोड़ तो हमारा जो मेन मोटो है कि आप जो सोच रहे हो पचास हजार से पांच लाख रुपए बनाने की वो आप तब नहीं कर पाओगे अभी एक पहले दिन से नहीं कर पाओगे इट विल टेक टाइम पहले आप लूज करोगे पचास हजार को दस बार फिर वापस से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके लाओगे एक लाख रुपए लाओगे फिर उस एक लाख से एक लाख रुपए बनाओगे दो महीने में फिर वो दो महीने में तीन महीने में जाके डेढ़ होगा दो होगा जब वो पांच नहीं होगा ना जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फिर आप वापस से आओगे एक लाख रुपए डाल के तब एक लाख से दो लाख रुपए उसी महीने में बनाओगे बराबर है स्पीड को मैच कर चुके हो मार्केट हाँ, के साथ क्योंकि आपको भरोसा हो गया कि जितना पैसा लगा चुके हैं ना उससे ट्वेंटी टाइम्स बना चुके हैं इसलिए उनका माइंड से आउट हो गया डर हट गया है डर हमें हटाना होगा जिस दिन हमने डर हटाया तो उससे क्या क्या होगा कन्विक्शन बढ़ जाएगा कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पे रहेगा सौदा जब डालोगे तो मालूम रहेगा कि भाई मैंने रिस्क को मैनेज किया हुआ है बराबर है डर एक बार हट गया ना मुनाफा अपने आप बनेगा तो वो डर को हटाने के लिए पहले अपने को स्किल डेवलप करनी है स्किल का गेम करो और वो कैसे डर डर हटेगा जब आपको राइट ट्रेंड मालूम है देखो दो ही चीज तो है बाजार में यार बाय या सेल इसके अलावा कुछ है क्या बस बारे? मार्केट की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है या फिर बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं तो एक चीज ये तो सबसे सबसे पहला हमारा स्टेप होना चाहिए कि बाय करना है या सेल करना है वो डिसाइड करना है सबसे पहले वो डिसाइड कर लो अगर आपने आ, आपने वो स्किल डेवलप कर ली कि आपको पता है सिर्फ बाय वाला मार्केट है तो आप बाय करके काम करोगे तो आधा डर तो अट गया फिर लेवल्स निकालना सीखो कि भाई यहां से अगर बाजार सपोर्ट लेता है या फिर ये लेवल के नीचे जब तक नहीं जाता तब तो तक ट्रेंड रिवर्स नहीं करेगा तो जा कहाँ तक सकता है ताकि एग्जिट अभिमन्यु की तरफ फंस जाओगे नहीं तो यहां तक जाएगा मैं निकल जाऊंगा तो डर हटाइए डर हटाने पे काम करो डर कैसे कैसे हट सकता है उस पर फोकस करो मेरे ख्याल से 93 परसेंट लोग पैसा सिर्फ डर की वजह से खो रहे हैं आता सबको है फियर ऑफ लूजिंग द मनी आता सबको है लेकिन वो डर है पैसा खो ना दो उस चीज का डर है लॉस का डर नहीं है आपको मार्केट से कि मार्केट आपको लॉस देगी नहीं आपका पैसा चला ना जाए मार्केट में इस बात की डर से आपको मार्केट में लॉस हो रहा है मार्केट तो बहुत बार ये बहुत हम ट्रेडर लोगों को बोलते सुनते ना मैं जिधर भी लेता हूँ वहां से टूटती है फिर से मेरे भाव पे आ जाती जाती है है मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाती नहीं, है। वो तो निकला क्यों डर की वजह से बीच में एक रील ऐसे ही तो था मैंने प्लस किया मार्केट गिर गे, गया जब गिर गया तो मैंने सोचा गिरेगा तो मैंने माइनस कर दिया <laughs> वहां से मार्केट तेज हो गया तो ये एक्चुअल में ये एक ट्रेडर की ही स्टोरी है इट्स नॉट अ काइंड ऑफ जोक या रील ये ऐसा होता है डर को हटाने में फोकस करिए स्किल डेवलप करिए मुझे लगता है एक ब्रह्मास्त्र चीज है ये डर को हटाने में फोकस करना डर को पैसे कमाना नहीं है पैसा अपने आप अप बनेगा डर को हटाना डर को हटाना ये सोचो लोग क्या सोच रहे हैं प्रॉफिट प्रॉफिट बनाना विरौफिट, विरौफिट, बनाना करोड़पति 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 बनना अरे भाई थोड़ी बनते यार डर को हटाना अपने को पैसा आने के बाद भी आप पैसा नहीं बना पाओ ऐसा काम ना करो स्किल का गेम तो करना ही पड़ेगा आपको और सबसे बड़ी बात है आपको जब तक मार्केट का लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा ना वो कॉन्फिडेंस से ही है आपको आप मतलब दस हजार रुपए किसी में जा रहे हैं चल छोड़ना दस ही तो जा रहे हैं मेरा ध्यान नहीं उसमें जैसे उसमें चालीस हजार तब जाके उसका उसके अंदर स्किल का गेम अच्छा चालीस ले गया चालीस में कवर करता हूँ

तो मैंने अभी तीसरे फोन के लिए उसको फोन कर दिया तीसरा अभी मैंने लिया, नाम वो में। चला अच्छा। गया।, मतलब गया वो मेरे को रोज फोन करता है तो मैंने उसको एक ही चीज बोलाई देख एक साल रुकना है तो ये पांच सौ नहीं तो यहीं के भाव अपने करंट भाव से जो क्वान्टिटी है मुझे वापस दे मुझे तो मिल नहीं रही इसलिए ना मैं दोस्त रिश्तेदारों को कॉल ही नहीं देता नहीं हाँ, मैं तो सही जाएंगे तो बोलेंगे नहीं कुछ गलत जाएंगे और सही जाएंगे और क्या होगा सही जाएंगे ना तो भी वो दो बार फोन करके बोलेंगे यार तो कॉन्फिडेंस था तो पहले बोलता ना मैं दस गुना ले लेता हाँ. तब भी बोल रहा है लॉस करेगा तो दस बार और फोन करके दिया यार यहाँ तो सर ऐसे बोलना पड़ता है तेरे पैसों की जिम्मेदारी मेरी है तू लगा सभी को ऐसा फोन करना पड़ता है तो दोनों केस में मरना ही है पैसे बना रहा है तो बोलेगा दस गुना दिलवा देता है तो को इतना कॉन्फिडेंस था तो लॉस करेगा तब तो फ़ोन करना ही करना है उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते तो इससे बेटर बढ़िया अपना काम करते रहो एक और मेरे को ना सर एक स्टोरी है बड़ी अच्छी है सुनाने का दिल कर रहा है यहाँ पर अचानक से आपसे बात करते करते ध्यान में आई आपने बोला ना कि लोग इसका देख के उसका देख के उत्तेजित हो जाते हैं काम काज करने के लिए दिल्ली में ही मेरे ग्राहक थे यानी मेरे बहुत पहले की बात है ये मेरे ख्याल से दो हज़ार की बात है ये तो उनके ना एक मुनीम हुआ करता था कपड़े का व्यापार था शायद उनका ऐसे कुछ तो भी था तो उनका एक मुनि हाँ कपड़े का ही था मुनि मुनीम हुआ करता था वो मुनीम उस समय क्रूडल में काम करने लगा था उसके पास एक आध लाख रुपये कहीं से लोन वोन ला के कुछ चालू किया था भाई जी उसने छः आठ महीने में छः आठ महीने होने के बाद ट्रेडिंग वेडिंग सब बढ़िया चल रही थी सेट चल रहा था छः आठ महीने में उसने छुट्टी मांगी अपने सर से कि सर मेरे को छुट्टी चाहिए गाँव जाके आना है वो वापस आया ना आप यकीन मानोगे मर्सिडीज में आया वापस मुनीम आदमी तो सेठ देखा यार बोले यार, तो मर्सिडीज में आया वापस गया तो मेरे साथ मेरे सामने मुनीम जैसे था आया मर्सिडीज में तो उससे पूछे भाई क्या हो गया तेरे ऐसा कैसे एकदम किधर से पैसा किधर भरसा तो बताया सर ऐसे ऐसे मैंने इधर उधर काम किया था ट्रेडिंग करके पैसा बनाया वो तो सेठ भी आया पैसा लेके सेठ पैसा लेके आया मुनीम और सेठ दोनों मुनीम ही बन गए थे कुछ समय बाद क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग कर रहा था ओवर कॉन्फिडेंस में और ये उसके साथ लगा हुआ था तो दोनों दो मुनीम जैसे ही हो गए थे तब तो मेरे से टकराए थे कि भैया कुछ वापस से बताओ इसको कैसे टिक करें तो आप ना इम्पल्सिव मत कि वो पैसा कमा रहा है तो, तो मैं भी, भी कर करोगे मैं भी कर लूंगा वो पैसा कमा रहा है तो मैं भी कर लूंगा नहीं तो वो हो जाएगा क्योंकि आप बाहर से देख रहे हो आप हमारा थॉट प्रोसेस तो लो थॉट प्रोसेस लो तभी आप समझ पाओगे कि हम कैसे करते भाई दो भाई सबसे पहले थॉट प्रोसेस लेने हमसे बात करो हम सोचते क्या है कैसे करते अब प्रॉब्लम पता है क्या है अगर मैं अभी हमने बोल दिया कि हमसे बात करो तो मेरे ख्याल में लोग हमें ये वीडियो लॉन्च होने के बाद दस आदमी हमें कॉन्टेक्ट करेंगे धमाधम दम फोन करेंगे ईमेल करेंगे हम रिप्लाई नहीं करें तो बोले यार सामने वाला तो यार बेवकूफ़ बना रहे आ, रिप्लाई नहीं करता रिप्लाई नहीं करता पॉइंट इज डेट कि आप खुद सोचो आप अगर आप, आप अपना टाइम अगर किसी और को दे सकते हो आई कैन गिव यू माई टाइम यस सिंपल सी बात है मैं आपको सिखाता हूं लेकिन अगली बार कोई मुझसे पूछेगा तो मैं आप ही का नंबर दूंगा कि आप उसकी हेल्प करो बट उसके लिए आप मना कर दोगे क्यों क्योंकि आपको तो जो क्रीम चाहिए थी आपने मुझसे ले ली तो आप वो क्रीम दूसरे को डिलीवर करना चाहते ही नहीं हो तो एग्जैक्टली exactly हमारा पॉइंट यही है कि हम लोग भी उस क्रीम को उसी उन्हीं लोगों को देना चाहते हैं जो उसके लिए कैपेबल हैं ऐसे ही नहीं किसी ने हमें फोन किया और देखा ना झूला मिला और पुराने जमाने में वरदान भी ऐसी थोड़ी मिलते थे हाँ, तपस्या बीसवीं साल बैठे रहते थे इंसान लोग तपस्या करने के लिए तब भगवान को एक बार लगता था ये चल सीरियस है ये बंदा सर मेरे तब जाके बोलते थे तथास्तु

उसका कुछ समय बाद उसको समझ में आएगी यार असली चीज तो इसके पास पहले ही थी मैं ही समझ नहीं पाया तो कहने का पॉइंट ये है कि अगर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो पहले सीरियसनेस चेक सीरियसनेस ये एग्जैक्टली exactly मेरा पॉइंट ये है कि भाई पहले रगड़ा पट्टी करूंगा <laughs> पहले दो तीन साल तुम अगर मेरे पास रुकोगे मेरा काम करोगे मैंने बोला भाई मेरा फोन लिया मेरे घर से टिफिन लिया ये सच्चाई है तब तथास्तु होगा तब तथास्तु होगा अभी अभी रिसेंटली एक लड़का रोहतक से है प्रिंस उसको भी मैंने अपनी मेरे ख्याल में कितना टाइम होगा आठ महीने हो गए उसको उसको पहले महीने मैंने रगड़ा है लेकिन उस लड़के का डेडिकेशन देख के मैंने उसको तुरंत ग्रेप कर लिया नहीं यार सर मेरे को मेरे को रगड़ा गया दो हजार से दो तक सर जितने भी लोग मार्केट में सक्सेस हैं वो ये हमारी सक्सेस वो समय पे ऐसा लगता था कि यार ये पागल हैं क्या सुबह आठ बजे से लेकर ग्यारह बजे तक बैठा के रगड़ते रहते हैं

हालांकि उस टाइम पे हमारे मन में ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि हम लोग जिस फैमिली से थे हम लोग सीखने के लिए थे हमें पता था कि बट मामा जी हैं अच्छा वेल एजुकेटेड है तो इस मार्केट में अच्छा उनका पकड़ है तो इनसे जो भी सीखने को मिलेगा वो होगा अच्छा कभी भी कोई भी आदमी को आप मार्केट में ट्रेंड सही तरीका से कर दो जब तक वो हर चीज में एक्सपर्ट नहीं है यानी बुद्धिमान नहीं चंट और चलाक नहीं है हर काम में तब तक वो मार्केट में भी नहीं हो सकता तो पहले आपको ना हर चीज़ को बिल्डअप करने के लिए एक्सटर्नल चीज को ठीक करना पड़ेगा भाई तो बैंक का काम कर सकता है पहले सूझबूझ कर बराबर क्योंकि इस मार्केट में सबसे ज्यादा अगर कुछ चीज काम आती है तो वो सूझबूझ इंटेलिजेंसी नहीं मैं एक बात ऐड करूं मंगज भाई मुझे क्या लगता है ना कि ये अगर ये मार्केट में हमने तीन साल सरवाइव कर लिया

सात हजार से आज पच्चीस हजार छब्बीस हजार हो गई है यू नेवर सीन ऑन वन डेटा ऑन द मीडिया इन्वेस्टर को चार हजार करोड़ का प्रॉफिट हुआ नहीं मार्केट हुआ। अगर एक बार गिर जाए आठ हजार करोड़ का लॉस हो गया एक लाख आजकल तो एक, एक आजकल तो एक लाख रहा है मैं लाख करोड़ का हो गया कभी भी ये डेटा फिगर आया ही नहीं बीस हजार करोड़ का प्रॉफिट हो गया अरे ये प्रॉफिट जो लॉस हो रहा है ये प्रॉफिट कहाँ हो रहा है ये तो बताओ अगर मार्केट दस हजार से छब्बीस हजार खड़ा है अंदाजा लगाया तुमने एक चीज <laughs> ये दस हजार से छब्बीस हजार मार्केट कैसे हुआ है ये म्यूचुअल फंड की वजह से इसीलिए वो डेटा नहीं आता जी और जब वो गिरता है गिरता है तो म्यूचुअल फंड वालों का जो सेंटीमेंट्स खराब करने होते हैं हाँ सेंटीमेंट्स खराब होते हैं और म्यूचुअल फंड की जो वैल्यूएशन कम होती है म्यूचुअल फंड की आपके जो जस्टिफाई करना तो अरे यार चल गिरा है मार्केट सबको नुकसान है और म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू मेरी ढाई लाख रुपए थी वो आज मेरी एक लाख पचास हजार हो गई है तो वो जो एक लाख का गैप हो गया ना दे रहे हैं। हाँ एक लाख का गैप हो गया उससे लोगों में डर फैला दिया इतना बड़ा बड़ा। सही है।, लेकिन सही है या नहीं है ये मार्केट का एक्सपर्ट वाले बंदे से पूछो वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाता या नहीं लगाता अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो नॉलेज ले लो लेकिन ये मत बोलो कि म्यूचुअल फंड सही है सही बता रहा हूँ सर मतलब इवन मी माई फादर एंड नॉट माई जूनियर मैं किसी को भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करने देता यार इन्वेस्टिंग सीखना है मैं बताऊंगा सौ रुपये का स्टॉक दो हज़ार कैसे होगा तेरे अंदर पावर है रखने की म्यूचुअल फंड अगर पंद्रह साल तक होल्ड कर रहा है वाई यू आर नॉट होल्डिंग एनी स्टॉक्स फॉर फाइव टू टेन ईयर्स बराबर है लेकिन वहाँ तो इनका चड्डी गीला हो जाएगा <laughs> वहाँ तो ये लोग बोलेंगे कि यार मार्केट पीक पे आ गया है और मेरा स्टॉक देखो

हम दोनों भाइयों का एड्रेस ले लो आप वहां आ जाना मैं पर्सनली ट्रेंड कर दूंगा तीन साल लेकिन तीन साल जो जो इन्होंने तीन साल वेस्ट कर दिया मुझे वो डायरी पे नोट चाहिए कि तीन साल के अंदर तुमने क्या क्या किया किया क्या? किया क्या है? और कैसे किया है फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि पैसा ऐसे बनेगा आ जा नहीं तो आज अकाउंट खोले साल बाद पहुंच गया घर कुछ किया ही नहीं कुछ किया ही नहीं तीन साल में कम से कम भी नहीं करते हुए तो तीन हजार ट्रेड तो लगने चाहिए

इन्वेस्टिंग से या फिर ट्रेडिंग से पैसा विराट कोहली बेहतर खेलता है या सचिन तेंदुलकर सर वो तो आप बोल नहीं सकते क्योंकि हुए मनी मैटर इज वी आर मेकिंग मनी फ्रॉम मार्केट no is, मैं भी ये कहना चाहूंगा कि देखो हर ट्रेडर का एक जर्नी होता है जो स्टार्ट होता है इन्वेस्टिंग से फिर इन्वेस्टिंग से जब दिखता है ना कि पैसा जल्दी जल्दी नहीं आ रहा है तो आता है फ्यूचर ऑप्शन में ऑप्शन तो एक जर्नी कैसी होनी चाहिए मैं एक साइकिल आप लोगों को कंप्लीट करके देता हूँ पहले आप कैपिटल कैपिटल हर किसी के पास नहीं है बराबर है इन्वेस्टिंग करने के लिए नाइन्टी नाइन परसेंट लोगों के नाइन्टी नाइन तो फिर ज्यादा हो जाएगा क्या नाइनटी थ्री परसेंट लोगों के पास कैपिटल नहीं है मान लेते हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए और इनफैक्ट ज्यादा भी होगा ज्यादा ही होगा ज्यादा ही होगा तो हम एक रैंडम फिगर 90 परसेंट लेते हैं समझने के लिए 90 परसेंट लोगों के पास इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसा नहीं है तो क्या 90 परसेंट लोग हकदार नहीं है इन्वेस्टिंग करने के है नहीं है है क्योंकि तो एक बार हर आदमी के पास पैसा आएगा पैसा इन्वेस्टिंग के लिए है। तो नाइनटी परसेंट इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो करेंगे क्या उनके पास एक ही ऑप्शन है इन्वेस्टिंग के लिए कैपिटल जनरेट करना अब वो कैपिटल कहां से जनरेट कर सकते हैं ट्रेडिंग से ट्रेडिंग से तो ट्रेडिंग जरूरी है ट्रेडिंग भी जरूरी है एक साइकिल बना लो ट्रेडिंग करने का है रियलिस्टिक ट्रेडिंग करने का है अंडरस्टैंड नहीं कि एक लाख रुपए लगाया दस लाख रुपए चाहिए इक्कीस में पैसा डबल नहीं होता है मार्केट में होता है तो नसीब वालों का होता है लाख में एक अपन एक लाख में एक नहीं हो सकते अरे अपने, अपने अगर इतने किस्मत होते तो वहां नहीं पैदा होते वहां सही, कह रहे सही 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 कह कह रहे रहे हो हो लाखों करोड़ों वाले वालों के पास अपने को क्यों बनाना पड़ रहा है लाखों करोड़ों तो ये एक्सेप्ट कर लो चलो एक मान लेते हैं कोई ना कोई होगा भी ऐसा लकी लेकिन अपन ये मान के चलोगे अपन नहीं है वो लकी तो हमें ट्रेडिंग करनी है

लेकिन साथ ही साथ इंजॉय करना भी मत भूलो लोग क्या कर रहे हैं लोग पैसा कमा रहे हैं एस आई पी कर रहे हैं इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और लाइफ को भूल चुके हैं या फिर इन्वेस्टिंग भी नहीं कर रहे हैं बहुत लोग तो वो डीमेट <coughs> सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है जहाँ नहीं, 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 नहीं कर रहा इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा तो आप उस आइडियल मनी को भी इन्वेस्टिंग करिए और एक टारगेट बना लीजिए आप हर किसी को अपना टारगेट तो मालूम होता है कि मेरे को अचीव क्या करना है जैसे मेरे को मालूम है कि मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सर्विसेज को लेके जाना है इंडिया में मुझे सर्व करना है इंटरनेशनल लेवल पे मेरे को पैसा कमाना है ये मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर है तो मैं क्या करूँगा कि भाई तो हमें हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर है तो हमें हम हमारा भी थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ से ट्रेडिंग करना है ट्रेडिंग करके इन्वेस्टिंग करना है और इन्वेस्टिंग को भूल जाना है ये साइकिल कंप्लीट कर लो नाइनटी परसेंट लोगों की जिनके पास पैसा नहीं है ट्रेडिंग करना मुझे ऐसा लगता है जरूरी है अब जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा है वो बात अलग है भाई वो दस पेटी वहां से कमा रहा है पांच पेटी खर्चा कर रहा है ई एम भर रहा है ये सब कर रहा है तो भी पांच पेटी उसके पास बच रही है और सच्चाई है जिसकी ज्यादा सैलरी वो ज्यादा इन्वेस्टिंग भी नहीं कर रहा है खर्चे ज्यादा है उसके नहीं वो एक्चुअली सोच नहीं पा रहे कि उसको कंपाउंडिंग का क्या बेनिफिट है? का क्या है वो कर नहीं पा रहा है वो नाइन हम तो यही जूम करते हैं कि नाइन्टी परसेंट लोगों के पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए अगर पैसा जनरेट करना है तो उसको ट्रेडिंग एक अच्छा माध्यम है जहाँ पर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखकर आप एक अच्छी कैपिटल जनरेट करके उसको इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग सीखो इन्वेस्टिंग करो ट्रेडिंग सीखो इन्वेस्टिंग करो